सो गाइज, आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खास लोकेशन पे, और ये लोकेशन है बड़ा बाजार। यस गाइज, कोलकाता का सबसे फेमस मार्केट, और मैं यहाँ पे राखी खरीदने आई थी मम्मी के साथ। तो गाइज, आप देख सकते हो इतनी वैरायटी ऑफ राखी, और ये खाया हमने बड़ा बाजार का सबसे बेस्ट पान, और वो भी मीठा पान। गाइज, आप मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देखिए ये पान को खाते वक्त, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पान था ये और बहुत यम्मी। मुझे पान खाना बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे हम लोग गए गाउन ख़रीदने के लिए, तो एक गाउन हमने ख़रीदा, तो क्या ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ सस्पेंस को करते हैं ख़त्म, एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलीज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज़, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे ये सफ़र बड़ा बाजार में। तो गाइज़, हमने सोचा था कि हम लोगों को थोड़ा सा घूमना चाहिए, काफ़ी टाइम काफ़ी साल बीत चुके हैं। और ये देखिए, मम्मी को पूजा का साड़ी ख़रीदना था, तो इसलिए मम्मी आई है पूजा का कुछ साड़ी देखने के लिए। बट पता नहीं उनको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं, तीन चार ऑप्शंस देखा एंड फाइनली उनको देख कर लग रहा है कि उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आज मैं मम्मी के साथ राम मंदिर और बड़ा बाजार घूमने का सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ राखी ख़रीदना है और अपने लिए कुछ गाउन वगैरह, मेरे भाई की शादी आ रही है, तो उसके लिए सोचा कि थोड़ा सा गाउन वगैरह भी लूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज मैं कहाँ जा रही हूँ, बड़ा बाजार और राम मंदिर में। तो ये देखो, अभी हम लोग चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कौन कौन से शॉप्स में हम आज जाने वाले हैं। तो गाइज़, यहाँ से शुरू होता है बड़ा बाज़ार मार्केट का। सारी तरफ आज मुझे इतने सारे राखी दिखने को मिल रहे हैं, इतना वैरायटी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। और रास्ते पे ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा सारी गाउन और ये सारे। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे राखी का कलेक्शन अच्छा लग रहा था एंड प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे, तो हम लोग यहाँ पे आए एंड मैं देख रही थी अलग अलग ऑप्शंस राखी के, तो ये वाला मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा, सोबर एंड डिसेंट लग रहा था, तो ऐसे तीन राखियाँ मैंने ले ली। और अभी मैं इसको पैक करवा लेती हूँ, और बाकी सारी राखी भी हमने अलग अलग जगह से ली, तो उसका वीडियो, वहाँ पर काफ़ी भीड़ था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिर देखिए, यहाँ पर गए डेली वेयर के टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पर मिल रहे थे, तो यहाँ से हमने दो टी शर्ट्स ले लिया मैंने अपने खुद के लिए। और फिर हम लोग आए एक साड़ी, जो मैंने आपको बताया मम्मी को पूजा का साड़ी ख़रीदना था तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आए। गली गली में छोटे छोटे आपको बहुत दुकान मिल जाते हैं, तो फाइनली मम्मी ने एक साड़ी रेड कलर का पिक कर लिया है, थैंकफुली ये काम डन है, वरना फिर मम्मी मुझे इधर उधर घुमाती और मैं, इतना मेरा हैबिट नहीं है कि मैं अलग अलग घूमूँ, तो इसी के लिए मैंने मम्मी को बोला मम्मी ले लो, इतना टाइम वेस्ट मत करो, और भी चीज़ें खरीदनी, और एक बार बारिश अगर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे फंस जाएंगे। अब यहाँ पे चलते चलते हम आ गए हैं सतरैन एसी मार्केट की तरफ, और यहाँ से शुरू होता है मेन हब फॉर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, फिर लहंगा है, साड़ी है, ब्राइडल के जो चीज़ें मिलती हैं नई दुल्हन के लिए, सारा चीज़ यहाँ पर मिलता है, होलसेल मार्केट तरह का आप इसे कह सकते हो। बहुत वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। और मेरी मम्मी मुझे एक गली के अंदर लेके गई है जहाँ पे हर तरफ सिर्फ राखी है, चूड़ियाँ मिल रही थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रहा था। गाइस, यहाँ पे हिलने डुलने की जगह नहीं होती है। साड़ी अगर खुद की लेके आ रहे हो तो बहुत सोच समझ के आओ, यूजुअली आपको कोई भी पार्किंग नहीं मिलती। और ये है यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा मंदिर हनुमान जी का। और उसके बाद गाइस, मैं आपको जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा था द फेमस पान, तो ये पान आपको सत्यनारायण एसी मार्केट के ठीक ऑपोजिट एक शॉप में मिलेगा। इतनी भीड़ थी गाइज, इतना धक्कम धुक्का हो रहा था कि हमें जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पे खड़े होकर पान बनवाने का, बट फिर भी मैंने मीठा पान बनवाया। और गाइज, ये फेमस पान वाला कप किसी से भी पूछोगे आपको बता देंगे, चांदी की परत इन्होंने लगाई है, मीठा पान है। अब उसके ऊपर ये देखिए गुलकंद इन्होंने डाला, अब देखिए ये क्या क्या चीज़ें डालते हैं, सारी जो भी चीज़ें होती हैं जो पान में डाली जाती हैं टेस्टी बनाने के लिए, वो सब इन्होंने डाला। 30 रुपीज़ में गाइज, इतना बड़ा पान इज़ जस्ट अमेजिंग, बहुत ही यम्मी था। अब देख सकते हो कि मुझे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, मैंने टेस्ट किया, मम्मी को बोल रही हूँ टेस्ट करूँ, तो मम्मी भी करी। यहाँ पे गाइज इतना बैकग्राउंड नॉइज़ था कि मैं आपको क्या बताऊँ, अब मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुन पाओगे बड़ा बाजार में। मम्मी को भी बहुत टेस्टी लगा ये पान, अब देख सकते हो सिर्फ धक्कम दुक्की हो रही है, देखो चलने की जगह नहीं है बड़ा बाजार में, और राखी के बाजार की वजह से और ज़्यादा भीड़ हो गया, बहुत भीड़ देखो। बस यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा क्राउड कम दिखा, तो आप थोड़ा सा हम चल पा रहे, बाकी जो जगह मैंने देखा वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ठीक से चल पाने का भी। और ये देखो गाइस, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लहंगी वगैरह सारा कुछ आपको मिल रहा। तो ये वो दुकान था जहाँ पे मम्मी मुझे लेके आई थी, उन्होंने एक गाउन पसंद किया था तो वो बोली, मुझे दिखा रही थी कैसा है क्या है, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो देखते हैं। फिर मम्मी को मैंने बोला कि थोड़ा साड़ी वगैरह भी देखते हैं, हाथ में हमारे कम ही टाइम था क्योंकि मुझे और भी एक काम था वहाँ जाना था,
तो ये है वो गाउन गाइस जो हमने ख़रीदा, बहुत अमेजिंग एंड प्रिटी लग रहा है। तो यहाँ से गाउन लेने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अभी कुछ थोड़ा साड़ी वगैरह भी देखते हैं। तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, मैंने उनको बोला थोड़ा एक बार खोल के अच्छे से दिखा दीजिए, बहुत ज़्यादा फ्लैरी था। तो ये फ़िलहाल लिया है और काफ़ी खूबसूरत और अमेजिंग लग रहा था ये। और ये दुकान का नाम भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, नारायण वस्त्रालय। तो ये बड़ा बाज़ार में ही है, 79 AC मार्केट के ऑपोजिट साइड में गली में पड़ता है वो, आप पूछोगे तो कोई भी बता देगा, अच्छा फेमस दुकान ही है। तो गाइज़ अभी हमने साड़ी देखना शुरू किया और जो साड़ी मैं देख रही थी तो मम्मी को मैंने लाइलैक कलर दिखाना स्टार्ट किया। मैंने बोला कि थोड़ा लाइलैक कलर दिखाइए बिकॉज अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो ये देखिए लाइलैक कलर है और इसमें सिल्वर काम किया हुआ है, वो जो थ्रेड का होता है ना। उसके बाद हमने फिर और एक वैरायटी ऑफ साड़ी देखी उन्होंने मंगवाया, मैंने बोला स्पेसिफ़िकली मुझे इसी कलर की साड़ी देखनी है, तो उन्होंने फिर ये वाला दूसरा साड़ी मंगवाया। बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था गाइस, अब देखो इतना खूबसूरत कलर और वो भी सिल्वर, सूती का जो काम होता है ना इसको बहुत एलिगेंट और क्लासी बना रहा था। लेना नहीं चाह रही थी बट मैंने बोला लो, तो बहुत अच्छा आपसे आपको दिखाऊंगी घर जाकर किस तरीके का है। लुक्स वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल कलर, लाइलैक कलर का है। फिर गाइस वहाँ से साड़ी हमने फाइनली वो ले ली लाइलैक एंड जो मैंने आपको दिखाया सेकेंड साड़ी पैक करवा के अब हम लोग इतना कुछ ले लिया हमने, काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई आज हमारी, जो हमने ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट वो एक होता है ना कि आप आते हो बड़ा बाज़ार तो आप एक चीज़ लेने आते हो और आप फिर तीन चार अलग चीज़ें और लेके जाते हो, तो वही केस हमारा भी हुआ। तो अभी ये देखिए हमने सोचा था कि ये बड़ा बाज़ार आए तो तिवारी ब्रदर्स में कुल्फ़ी तो खानी बनता ही है क्योंकि यहाँ की कुल्फ़ी बड़ी टेस्टी होती है। तो गाइज़ देखो अभी हम लोग जस्ट कुल्फ़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारी गाड़ी जस्ट आने वाली थी तो हमने कुल्फ़ी पैक करवा लिया, वहाँ पे बैठ के खाने का स्कोप ही नहीं था, इतना जाम था। तो गाइज़ ये थी कुल्फ़ी, बड़ी टेस्टी थी, अच्छी थी। आज हमारा दिन बहुत इवेंटफुल रहा, बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद बड़ा बाज़ार आके। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव।